गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। देखिए टैक्सोनॉमी होता क्या है, पहले तो ये समझ लें कि टैक्सोनॉमी है क्या, यानी वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी मीन्स होता है कि किसी भी जीव का उसकी समानता असमानता या उसके संरचनात्मक रूप में संगठनात्मक रूप में उसको छोटे या बड़े समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्ग का करना, वर्ग में करना, जैसे मान लेते हैं कि बहुत बड़ा स्कूल है या एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हो गए तो उन क्लास के सारे बच्चों क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया जाता है। भले मान लेते जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अब उससे मान लेते हैं कि 400 बच्चे हो गए, एक ही साथ नहीं बैठ सकते तो उनको जो है 100-100 की संख्या, 50-50 की संख्या, जैसा भी सुविधा उसके अनुसार जो है उनको छोटे छोटे क्लासेस में डिवाइड कर देता है। वैसे ही यहाँ पर भी जो है सभी जो जीव है उन जीवों के लक्षणों, संरचनात्मक संगठन, उनकी समानता असमानता के आधार पर उन्हें कुछ छोटे कुछ बड़े समूहों में विभक्त कर देने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। तो ये होता है एक इसकी जो परिभाषा। अब टैक्सोनॉमी का जो शब्द है इसका मतलब क्या है, तो टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है टैक्सिस, टैक्सिस का मतलब होता है ऑर्डर, टैक्सिस मीन्स होता है ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है सीक्वेंस कह सकते हैं। प्लस नोमिया मीन्स होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, मतलब कि एक निश्चित क्रम में बांटना जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर एक निश्चित और क्रमबद्ध तरीके से बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, एनी ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रीब्यूट बाय एंड ए सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो उसको यानी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना तो वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। अगर हम थोड़ा सा इस टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, तो सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी है मीन्स वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को जो है फादर ऑफ जूलॉजी, जिनको मानते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तू, अरस्तू ने सबसे पहले जो है वर्गीकरण पद्धति को अपनाया। अरस्तू जो थे, अरस्तू को ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी पद्धति को अपनाया, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ने जीव विज्ञान का जनक और साथ में जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। और इनकी जो पुस्तक था अरस्तू का वह हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम इनकी बुक का नाम था। उस बुक में इन्होंने जो है बहुत सारे पौधों का और जंतुओं का वर्गीकरण किया था, हालांकि उनके इनका जो रुझाव था वो ज्यादा जो था झुकाव वो जंतुओं की तरफ था। तो इनके जो पौधों वाला जो झुकाव था वो इनके जो शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक जो है हिस्टोरिया प्लांटेरा में पौधों के बारे में अध्ययन किया उसने। यहां पर अरस्तू ने सबसे पहले सभी जंतुओं को दो श्रेणी डिवाइड कर दिया गया, इनके अनुसार दो समूह में बांट दिया, एक है एनाइमा और दूसरा इन्होंने कहा इनाइमा, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा में ऐसे जंतुओं को रखा जिसका जिनका जो रुधिर है वो लाल नहीं होता था, यानी रुधिर लाल रंग का नहीं होता है, उन सभी को एनाइमा में रखा गया। यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड रेड कलर जो है रेड कलर का नहीं होता है, रेड कलर इसमें एब्सेंट होता है, तो उनको उस सभी जंतुओं को जो है एनाइमा में रखा गया। जबकि जिसका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है उन सभी को इनाइमा में रखा गया, जिसमें हम लोग भी आते हैं। और जो इनाइमा इसको भी फिर दो श्रेणियों डिवाइड कर दिया गया, एक विविपैरा, विविपैरा, विविपैरा मतलब जो बच्चे देने वाले थे उनको विविपैरा में रखा गया और जो अंडे देने वाले थे उनको ओवा ओविपैरा में जो है रखा गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नींव जो है आज के लगभग 2300 साल पहले ही जो है लगभग 320 ईसा पूर्व ही पहले ही जो इसको नींव जो है रख दिया गया था जो टैक्सोनॉमी था। लेकिन इसके लगभग 2000 साल के बाद, यानी इस बीच 2000 सालों तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, 2000 साल बाद सन 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए जॉन रे, एक साइंटिस्ट हुए जॉन रे, इन्होंने सभी जीवों के लिए विशेष जो है
एक विशेष समानता असमानता कहलाता है, एक विशेष जो है नाम दिया और एक सकते हैं एक जो है उसके जो है प्रतिरूप दिया और उसको नाम दिया स्पीसीज, यानी सभी के लिए विशेष प्रकार का एक जो है नामनक्लेचर किया उसको नाम दे दिया स्पीसीज जाति, यानी सभी अब विशिष्ट प्रकार के जाति हुए तो जिसको यानी जो जानवर ने सबसे पहले स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया। फिर बाद में एक आए साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट हुए कैरोलस लिनियस, जो कैरोलस लिनियस थे इनका वास्तविक जो नाम था वो था कार्ल वान लिने। कार्ल वान लिने ने अपने इनकी जो बुक थी, इनका जो बुक था इस बुक्स नेम अगर बात किया जाए तो इनका जो बुक था उस बुक का जो नाम था वो था सिस्टमा नेचुरी। इस सिस्टमा नेचुरी के जो है दसवें संस्करण में, टेंथ एडिशन, दसवें संस्करण में इन्होंने जो है ओकम सन 1758 ईस्वी में इनका जो दसवां संस्करण आया सिस्टमा नेचुरी उसके जो है सन 1758 ईस्वी दसवें संस्करण में इन्होंने सबसे पहले जो है सभी जीवों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जिसे जो है एक नए टैक्सोनॉमी, एक नया जो है रूप प्राप्त हुआ। इसमें इन्होंने लगभग जो है कुल 4236 पौधों का जो है इन्होंने जो है अध्ययन किया। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है तो इन्होंने 4236 जीवों का इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें क्लासिफाइड किया और उनका नामकरण जो नामनक्लेचर भी किया, यानी कि किस समय में किस समूह में रखना और कैसा उसका नामनक्लेचर। तो अब आते हैं सबसे पहले समझते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, अगर टैक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा यहां पर चलते हैं कि टैक्सोनॉमी की जो उसकी विशेषता है उसको समझते नहीं, वर्गी जो क्रमबद्ध समूह में देखा जाए तो वर्गीकरण का जो क्रमबद्ध समूह है उस वर्गीकरण के क्रमबद्ध समूह में कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि सभी जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर एक बड़े से लेकर के छोटे समूहों तक पृथक कर दिया और कुल यहां पर जो है सेवन टैक्सोन का निर्माण किया। एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है नीट में कि व्हाट इज टैक्सोन, टैक्सोन क्या है, टैक्सोन इज ए, उसके ऑप्शन दिया था, ध्यान है नीट का क्वेश्चन है, इससे सबसे ज्यादा जो है एक नंबर का कम से कम एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन नीट में इस टैक्सोनॉमी वाले पार्ट से मिलना रहता है या वन डे एग्जाम से, तो वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो कैरोलस लिनियस ने जो है सात टैक्सोन में सभी जीवों को डिवाइड किया। टैक्सोन क्या है, टैक्सोन जो होता है टैक्सोन इज ए लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का एक जीवित समूह जो होता है लिविंग, टैक्सोन इज ए लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो सात टैक्सोन है कौन कौन से, तो इन्होंने कहा कि जैसे एक मान लेते हैं विश्व होता है, एक पूरे विश्व है, एक विश्व में बहुत सारे देश होते हैं, उस एक देश में बहुत सारे जो राज्य होते हैं, एक राज्य में बहुत सारे जिला होते हैं, एक जिला में बहुत सारे जो है गांव होते हैं, गांव बहुत सारे मकान होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, सभी जो जीव है सभी जीवों को एक जो है उसमें क्या क्रमबद्ध रूप में उनके संरचनात्मक संगठनात्मक समानता असमानता सभी के आधार पर उसको जो वर्गीकृत करना शुरू किया। तो यहां पर सात टैक्सोन ग्रुप बनाने में सबसे बड़ा जो बनाया वो था किंगडम। इन्होंने क्या कहा कि जो है किंगडम सबसे विशाल है और उसी किंगडम के अंतर्गत सभी जीवों को रखा जाए। लेकिन यहां पर फिर एक चीज आया कि किंगडम भी दो है, क्योंकि एक प्लांट एक एनिमल, तो इन्होंने दो किंगडम यानी एक प्लांट और एक एनिमल किंगडम को बनाया, इसलिए इसको बाई किंगडम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, यानी कि दो जगत अवधारणा। तो पहला सबसे बड़ा जो है इसमें था टैक्सोन हुआ किंगडम। जैसे एक विश्व के अंदर बहुत सारे देश आते हैं वैसे एक किंगडम के अंतर्गत बहुत सारे जो है यहां पर फाइलम या डिवीजन आते हैं। एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम या डिवीजन आते हैं, जैसे एक विश्व के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, एक देश के अंदर जैसे बहुत सारे जो है राज्य आते हैं, उसी प्रकार एक फाइलम या एक डिवीजन के अंतर्गत
बहुत सारे जो है क्लास आते हैं। अब एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले आते हैं, उसी प्रकार से एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, और एक जिले के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, उसी प्रकार एक ऑर्डर के अंतर्गत बहुत सारी फैमिली आती हैं। एक फैमिली जैसे एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे परिवार आते हैं, उसी प्रकार एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस आते हैं, और एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उसी प्रकार एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो सात जो यहाँ पर डिवाइड किया गया सात ग्रुप में, इन्हीं सातों ग्रुप को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्हीं सातों ग्रुप को जो है टैक्सोनॉमी का आधार माना गया। इसमें जो स्पेसीज है, ये स्पेसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाया, मीन सबसे जो छोटी इकाई होती है वो स्पेसीज होती है, सबसे बड़ी इकाई किंगडम होती है। और इसको इसी क्रम में ही रख सकते हैं, मतलब जब भी क्लासिफिकेशन करना हो तो सबसे ऊपर किंगडम रहेगा, उसके बाद फाइलम या डिवीजन रहेगा, उसके बाद क्लास रहेगा, फिर ऑर्डर रहेगा, फिर फैमिली रहेगा, और फिर उसके बाद जीनस होगा, और फिर उसके बाद स्पेसीज होगा। ठीक है, ये सात इस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित होंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं, जीनस और स्पेसीज के। तो जीनस और स्पेसीज की बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग चलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को थोड़ा समझ लेते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसको भी जो है वही कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया था, जो इसलिए जो कैरोलस लीनियस है उनको, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस इनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनको फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, इसके अलावा इनको फादर ऑफ बाइक्विनम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, इसके अलावा इनको फादर ऑफ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। तो कैरोलस लीनियस को जो है, जिसको कार्ल वॉन ली ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे इन्होंने कहा कि सात टैक्सॉन ग्रुप होते हैं, उस सात टैक्सॉन ग्रुप में जो एक जीनस होता है और एक स्पेसीज, स्पेसीज सबसे छोटी इकाई होती है। इन्होंने कहा कि अगर जैसे एक पिता का नाम होता है और एक उसका संतान हो, संतान के ऐसी कई जगह पर मान्यता है कि संतान के आगे जो है पिता का नाम लगाया जाता है, तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि सभी जीवों का दो नाम सुझाए, इन्होंने सभी जीवों के लिए दो नाम का सुझाव रखा, एक नाम उसका जीनस होगा और दूसरा नाम उसका स्पीसीज होगा। जैसे एग्जाम्पल मानते मनुष्य है, तो मनुष्य का जो जीनस होता है वो होमो होता है, उसका स्पीसीज होता है वो सैपियंस होता है। फिर एक समस्या आ गई, क्योंकि यह जो है लैटिन भाषा, उस पर क्या नाम है लैटिन भाषा में था और इटैलिक लैंग्वेज लिखी गई थी, तो हल्का तिरछा लिखा जाता है, तो इसको क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश लिखते हैं तो तिरछा लिख सकते हैं, तो इसके लिए क्या एक रूल बना दिया गया कि जब हम जैसे लिखें, जैसे ह्यूमन का, ये ह्यूमन है इसको साथ में लिखा जाए, तो इसका नियम बना दिया गया कि होमो और सैपियंस जो लिखा है इसको उसी पेन से अंडरलाइन करना अनिवार्य है, अलग अलग अंडरलाइन करना अनिवार्य है। तो ये अंडरलाइन कर देने से जो है जो इटैलिक लैंग्वेज पता चल जाता है कि हाँ ये किसी जीव का नाम है। दूसरा चीज, ये कैपिटल लिखते हैं उसको स्मॉल लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा माना जाता है कि जो जीनस है वो नाउन को व्यक्त करता है, संज्ञा है, और संज्ञा होता है, जबकि जो स्पेसीज होता है ये एडजेक्टिव होता है, मीन्स विशेषता बताने वाला होता है। जैसे होमो सैपियंस, देखते हैं होमो शब्द लिया गया होमोनिड शब्द से, होमोनिड का मतलब होता है मानव, और सैपियंस जो शब्द है वो सैपियंस सैपियंट शब्द से लिया गया है, और सैपियंट का अर्थ होता है वाइज, और वाइज की हिंदी होती है बुद्धिमान, एक बुद्धिमान प्राणी, एक बुद्धिमान प्राणी या एक बुद्धिमान मानव, तो उसको नाम दे दिया होमो सैपियंस। तो होमो क्या है, यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है, और सैपियंस एक उसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे सभी जीवों में जो
जीनस होता है वो उसका नाउन होता है और जो सेटियस होता है उसकी एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाली होती है। जैसे बहुत सारे हैं सभी के अपने अपने कोई ना कोई, जैसे अगर वो प्लांट है तो उसको बोटेनिकल नाम बोलेंगे, अगर जंतु हो तो उसको जूलॉजिकल नाम बोला जाता है। और ध्यान रहे पहला अक्षर कैपिटल होता है, उसके बाद जितने सारे के सारे जो अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखना और अलग अलग अंडरलाइन उसी पेन से करना अनिवार्य होता है। जैसे मान लेते हैं कि मटर है, मटर का उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम। एक मीठी मटर होती है उसका लेफायस ओडोराइटस होता है, तो ये मटर का हो गया। टमाटर है लाइकोपर्सिकार स्क्यूलेंटम होता है। मान लेते कुत्ता है तो कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस होता है। बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिकस होता है। गुलाब है रोजा डोमेस्टिना होता है। गुड़हल है हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस, यहाँ ट्रिपल नाम आएगा अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरसों है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस होगा। आम है मैंजीफेरा इंडिका होगा, ठीक है। तो इस अशोक है सराका इंडिका होगा। तो सबके अपने अपने जो है अगर जंतु जूलॉजिकल नेम और पौधे हैं तो उसके बॉटनिकल नेम होते हैं। तो इस प्रकार से हम उसका जो बायनॉमियल नाम लेकर करते हैं, यानी सभी जीवों के दो नाम, एक नाम उसका जो है वंश का नाम होगा और दूसरा उसकी जाति। इसको वंश कहते हैं इसको जाति कहते हैं। एक नाम वंश का होगा आगे लिखा जाएगा, जाति का नाम उसके पीछे लिखा जाएगा। इस तरह से किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है। एक दूसरा होता है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अगर ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात किया जाए तो कभी कभी क्या होता है कुछ जीवों में इतनी विभिन्नता, एक ही जाति का सदस्य होता है लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उसमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती है और वो विभिन्नताएं उसको उसके जाति से अलग करती है, तो उसको जो है एक तीसरा नाम प्रदान कर दिया जाता है, उसको हम लोग ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसका एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लीजिए कौवा है, जो कौवा है इसका जो है जूलॉजिकल नेम होता है कोर्वस स्प्लेंडेंस, कोर्वस स्प्लेंडेंस। लेकिन जैसे बर्मा कौवे, अलंकाई कौवे और जो भारतीय कौवे हैं, ये अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनके लक्षणों में परिवर्तन हो गया, तो एक तीसरा नाम दे दिया, इसको वैरायटी कहते हैं। तीसरे नाम क्या है, वैरायटी, किस्म, किस्म एक दे दिया गया और एक तीसरा जो किस्म यानी स्पेसीज पर एक वैरायटी आ गया, जीनस स्पेसीज और वैरायटी। जैसे मान लेते जो इंडियन कौवा है, इंडियन क्रो है, इसको नाम दे दिया कोर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, कोर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। बर्मा कौवा है जो बर्मी कौवे होते हैं, बर्मी क्रो या बर्मा कौवा है, इसको नाम दिया क्रोवस, कोर्वस स्प्लेंडेंस इंसुलेंस। जो लंकाई कौवे होते हैं इनको नाम है कोर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेटस। तो इस तरह से जो है त्रिक नाम पद्धति स्टार्ट हुआ है, जीनस स्पेसीज वैरायटी, वंश जाति किस्म। तो ये जो था ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था। तो इस तरह से जो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में हम किसी भी जीव का जो वर्गीकरण करते हैं उसके लक्षणों, उसके गुणों, उसकी संरचना, उसके संगठन, उसके जैव रसायन की, उसके आवास, उसका जो वास स्थान होता है, उसकी आनुवांशिकी, उसकी जो है फिजियोलॉजी और उसके जो है समानताओं और असमानताओं के आधार पर हम उसको छोटे छोटे समूहों में डिवाइड करते हैं, बांट देते हैं और उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी करने की विधि सात हायरार्की यानी कि उसके जो सात टैक्सोन ग्रुप है उसको पहले डिवाइड करते हैं, साथ में उसको नामकरण करना, तो जीनस और स्पीसीज को एक साथ रख देते हैं, जीनस स्पीसीज कहते हैं। कभी कभी ट्राइनॉमियल नामक पेचर स्टार्ट होता है आ जाता है तो उसके लिए वैरायटी एक अलग तीसरा जो है किस्म उसको भी स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, वैरायटी को स्मॉल लेटर से लिख करके और उसको जो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी टैक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाती है। तो ये पूरा जो था ये टैक्सोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, इसमें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी पूछ लेते हैं कभी कभी जो है, या स्पेसीज शब्द का प्रयोग किसने किया ये पूछ लेते हैं,
क्या एक बार फाइलम शब्द का भी पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रहे एक बार क्वेश्चन फाइलम का भी आया था, फाइलम शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो फाइलम शब्द का प्रयोग क्यूबियर ने किया है, फाइलम जो है क्यूबियर ने किया है, फाइलम शब्द का प्रयोग क्यूबियर ने किया था। हालांकि कुछ बुक में हैकल भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रहे हैकल भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन उस साल जो नीट में था, नीट में भी इसका आंसर क्यूबियर ही माना गया था। तो जो फाइलम शब्द है, फाइलम शब्द का प्रयोग क्यूबियर ने किया था। तो ये छोटे छोटे चीजें जो टॉपिक है, इसको भी आप लोग रट डालिए, याद कर डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद।